भोले भाले लोगों को डरा धमका कर गुंडागर्दी करने वालों और समाज में भय का माहौल पैदा करने वालों पर पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। काशीपुर थाना प्रभारी ने गुंडा एक्ट अधिनियम के अंतर्गत 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस आम जन की सुरक्षा के लिए है। कई भोले भाले लोग गुंडों से खौफ ज्यादा रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए थाना काशीपुर की चौकी कुंडेश्वरी के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक मनोज रातूड़ी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कुंडेश्वरी निवासी कमल सिंह, रवि, अरुण सिंह, रजविंदर कौर और बांस फोडान चौकी के अंतर्गत पंजाबी सराय व लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी मोहम्मद अजीम, मोहम्मद अमन उर्फ ढक्कन, दानिश अंसारी और मोहम्मद अमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया है। ये लोग समाज के भोले भाले लोगों को डरा धमका कर गुंडागर्दी दिखाने और समाज में भय फैलाने का काम करते थे। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी मनोज रातूड़ी ने बताया कि उपरोक्त सभी 8 अभियुक्तों के बारे में पुलिस को बार बार शिकायतें मिल रही थी, जो समाज के लोगों में अपना डर बैठाकर समाज के सभ्य लोगों को परेशान करते थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर 8 पर गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। जो भी क्रिमिनल हैं, जिन क्रिमिनल्स की हमारे पास हिस्ट्री और जो अभी भी लगातार सक्रिय हैं, ऐसे 8 लोगों को चिन्हित करके हमारे द्वारा गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और जिनके 8 के चालान हमने करके माननीय डीएम महोदय को भेजे हुए हैं। इनमें से एक व्यक्ति है विधायक करके निकनेम उसका फेमस है, ठीक ठाक गुंडा है और इसके द्वारा पहले भी बहुत सारे क्राइम किए गए हैं, तो इसको हमने अभी से कुछ समय पहले अवैध असले पकड़ गए थे, उसमें हमने जेल भेजा है, उसके खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।